देश भर में नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में हुए हिंसक प्रदर्शन और उसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच झड़प के बाद से ही मेट्रो को तो कुछ दिन बंद करके खोल दिया गया, लेकिन पिछले 13 दिन से शाहीन बाग से नोएडा, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा जाने वाले रास्तों को दिल्ली पुलिस ने बंद किया हुआ है, क्योंकि यहां पर लगातार प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्राउन प्लाजा के पास से ही दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए हैं। इसके बावजूद काफी संख्या में लोग यातायात नियमों को ताक पर रखते हुए उसी रास्ते से जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रयासों में ज्यादातर लोग असफल होने के बाद भी इधर उधर भटक रहे हैं और हर रोज नए नए रास्ते खोजने की तिकड़म लगा रहे हैं। शाहीन बाग की तरफ जाने वाला रास्ता बंद होने के चलते अब लोगों के पास एक ही रास्ता बचता है और वो है DND। ज्यादातर लोग अपने दफ्तर पहुँचने के लिए इसी रास्ते का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन लोगों को यहाँ घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दूसरी तरफ कई लोग मेट्रो पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाकर अपने दफ्तर पहुंच रहे हैं। वहीं कुछ लोग बदरपुर और जैतपुर से आने वाले रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। इस रास्ते में भी लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ प्रदर्शनकारी अपने विरोध प्रदर्शन से टस से मस नहीं हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग की तरफ से जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है। साउथ दिल्ली के पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिश्वाल ने कहा है कि शाहीन बाग में चल रहे धरने के कारण लोगों को हो रही परेशानी से निजात दिलाने के लिए स्थानीय लोगों से बातचीत की जा रही है कि वे धरने से उठ जाएं। इसके लिए हम लोग इलाके के प्रमुख लोगों से बातचीत कर मामला सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। मंगलवार और बुधवार को भी हमने लोगों को समझाया, साथ ही उन्हें बताया कि इस मार्ग के बंद होने के कारण मथुरा रोड, DND रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर पड़ने वाले यातायात के अतिरिक्त दबाव के मद्देनजर इन इलाकों में अतिरिक्त यातायात पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि समस्या का समाधान जल्द ही निकाल लिया जाएगा। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी दिल्ली। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।